नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देवरिया के कैप्टन अंशुमन सिंह जो सियाचिन में सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई 2023 को शहीद हो गए थे। बीते कुछ दिनों से कीर्ति चक्र से सम्मानित उनकी पत्नी सुर्खियों में बनी हुई है। शहीद अंशुमन सिंह के पिता ने उनके पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्मृति ने उनके बेटे के साथ प्रेम का सौदा किया, वो सारे पैसे और कीर्ति चक्र लेकर ऑस्ट्रेलिया भागना चाहती है। एबीपी न्यूज ने उनसे बात करने की कोशिश की। चलिए आपको भी सुनवा देते हैं कि शहीद अंशुमन सिंह के पिता ने क्या कुछ कहा है, उनके दावे क्या क्या कहते हैं। हृदय विदीर्ण है सुनकर के पैसे का आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पैसा तो इस विवाद का बिल्कुल कारण है ही नहीं। मैं आज भी सरकार से जितना पैसा मिला है उसमें उतना ही पैसा जोड़ करके मैं स्मृति सिंह को देने के लिए तैयार हूं, और आपके माध्यम से आज एक रुपया भी खर्च नहीं किया। वो ले जाएं लेकिन मेरे बेटे का सम्मान लौटा दें, जिस सम्मान को कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाएंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार में वो सम्मान का शोभा होगा या ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर वो किसी कबोर्ड में रखेंगे सम्मान का। दूसरी बात पैसे की बात मैं कहता हूं, जब यहां से हम गोरखपुर जा रहे थे तो उनके पिताजी का एक रुपया भी मैंने खर्च नहीं होने दिया एंटायर सेरेमनी में, और उन लोगों ने 10,000 रुपया जो कफन का पैसा होता है उसको जाकर के गोरखपुर के स्टेशन हेडक्वार्टर में फोन करके पूछा था कि वो कफन का पैसा यानी फ्यूनरल राइट्स का पैसा कहां गया, जो कि पुराने समय में गरीब फौजियों को दिया जाता था। तो आप पैसे की बात कर रहे हैं, जब वो हमारे यहां आए थे 3 तारीख को बरछा देने के लिए, तब राजेश सैनी जो उनके पुत्र का जो आने का किराया था हमारे बेटे के अकाउंट से कटा था 29 जनवरी को, उसने टिकट कराया था। वो बता दें कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से जब आया तो वो पैसा हमारे बेटे के अकाउंट से कटा था, और जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो हमारी बेटी के अकाउंट से टिकट गया था। और आज वो हमसे पैसे की बात कर रहे हैं और पूरा दुनिया पैसे की बात कर रहा है। पैसा मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। पैसा मेरे लिए उसी तरह से मेरे लिए मेरे बेटे की सम्मान सब कुछ है, और ये लड़ाई केवल सम्मान की है, पैसा तो इसमें बीच में कहीं आता ही नहीं। सुना आपने, शहीद के पिता ने स्मृति पर सीधे सीधे धोखे का आरोप लगा दिया। आपको हम बता दें कि अंशुमन सिंह सियाचिन में सेना के टेंट में आग लगने से पिछले साल 2019 जुलाई को साथियों को बचाते बचाते शहीद हो गए, जिसके बाद बीते दिनों उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां को कीर्ति चक्र सौंपा, लेकिन उसके बाद से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। शहीद के परिवार का आरोप है कि स्मृति सिंह ने उनके बेटे को मिले कीर्ति चक्र को हाथ भी नहीं लगाने दिया। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि 5 महीने की शादी थी, वो सब कुछ लेकर चली गई, हमारा बेटा भी शहीद हुआ और हमें कुछ नहीं मिला। बेटे के शहीद होने के बाद वो अपने घर चली गई और उन्हें पूछा तक नहीं। यही नहीं, उन्होंने नेक्स्ट ऑफ किन रूल नियम में भी बदलाव की मांग की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।